अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर होकर आए। भाजपा और जेडीयू भूलना नहीं चाहिए, साथ में लड़ रहे हैं। किसको बुलाया आपने प्रचार के लिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने बुलाया। उम्मीद करते थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जो हालात हैं उसका जिक्र करेंगे, लेकिन वो 370 कश्मीर, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके चलते बने। नहीं बताया उन्होंने कि आप ही जिनके साथ गठबंधन है उसी भाजपा की सरकार ने हाथरस में एक दलित बेटी के साथ कितना अत्याचार किया, क्या मजबूरी थी उसकी जो आपने शव को 2:30 बजे रात के अंधेरे में परिवार की बिना सहमति के आपने उसका दाह संस्कार कर दिया। इनके सांसद, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, बचाती रही पूरी सरकार बचाती रही, और उसमें क्या हुआ, अंत में झुकना पड़ा सरकार को और कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में उम्र कैद की सजा हुई है वहां पर। और वहीं पर आप देखेंगे कि उनका सांसद जो है साक्षी महाराज एक बलात्कारी को जेल में मिलने जाते हैं, कहते हैं हम उनका धन्यवाद करने गए थे। अलीगढ़ की जेल में इन्हीं के सांसद जो हाथरस से हैं वो मिलने जाते, कहते हैं चाय पीने गए थे। उनके समर्थन में चाहे कठुआ नहीं भूलना चाहिए, उन्नाव नहीं भूलना चाहिए, हम लोगों को हाथरस नहीं भूलना चाहिए। भाजपा ने हमेशा हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन, उन्हें बचाने के प्रयास किए, इसीलिए हालात आज यहां तक पहुंचे। तो मैं सोचती हूँ जिनके साथ नीतीश कुमार जी जेडीयू के यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे 15 साल से थे, पूर्ण राज्य का दर्जा कहते थे, पूछिए उनसे, सारे कार्यकाल आपके 15 साल पूरे हो गए, केंद्र में मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, कहाँ गया आपका? पोक्सो का कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चियों के बलात्कारों में उन्हें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके केसों की सुनवाई का वायदा था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या बिहार में नाबालिग बेटियों के साथ पोक्सो कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट में? मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 32,285 मामले महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार के दर्ज हुए, और उसमें मामलों में सुनवाई कितनों में हुई है? मात्र 27 मामले अंजाम तक पहुंच पाए, सुनवाई हुई, सजाएं हुई। 33,285 अपराधियों के साथ ये सरकार खड़ी है, इसलिए अभी तक जिन्हें सजाएं हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। मैं इसके बाद मुजफ्फरपुर जाऊंगी, प्रेस वार्ता वहां से भी करूंगी, पूरी अपील करूंगी कि पार्टी ने टिकट जरूर दिया है मंजू वर्मा को, लेकिन अब फैसला बिहार की जनता को करना है। अगर आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं, एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचाते हैं और मंत्री बनाते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी। उसकी दोषी मात्र राजनीतिक दल भाजपा जेडीयू ही नहीं, फिर हम भी उस अपराध में शामिल हो जाएंगे अगर हम अपना वोट देके ऐसे लोगों को अगर एक बार फिर पहुंचा देते हैं।